नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर कानपुर सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। देव दीपावली को लेकर भारी उत्साह। शाम को कानपुर और बनारस में दीपों से सजेंगे गंगा घाट। सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती की धूम। प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई जा रही है जयंती। शबद कीर्तन व लंगर में भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कानपुर के विजयनगर इलाके में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज दिवस आज थानों में धूमधाम से मनाया गया। ध्वज दिवस 23 नवम्बर 1952 को हुई थी ध्वज दिवस मनाने की शुरुआत। कन्नौज के बिल्हौर थाना परिसर में बंदरों का आतंक। बंदरों ने अधेड़ फरियादी पर हमला बोलकर किया घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज बिठूर समेत शहर के कई घाटों पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ रही। हर हर गंगे की गूंज के साथ मां गंगा में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से कई गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पूजन से धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। मास में बहुत महत्वपूर्ण महीना है। ये भगवान विष्णु और तुलसा महारानी का विशेष पूजन का विशेष महत्व है तथा गंगा माता के को दीपदान करने से पूर्ण फल अच्छे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और समृद्धि और दुख और रोगों को दूर करने वाला, कष्टों को हरण करने वाला ये आज कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है, जिससे लाखों आदमी गंगा स्नान कर रहा है। सरसैया घाट में अपने पूर्ण का भागी बन रहा है स्नान करके। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं। एसएसपी की स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है जहां पर एसएसपी की स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। 2 दर्जन अवैध असलहे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुंदेलखंड से लेकर आते थे असलहे और फतेहपुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। बड़ी खबर कानपुर से, एसएसपी की स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। नौबस्ता थाना क्षेत्र के समाधिपुलिया से किया गया गिरफ्तार और कुछ ही देर में एसएसपी करेंगे पूरे मामले का खुलासा। कानपुर से बड़ी खबर, एसएसपी की स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 दर्जन अवैध असलहों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुंदेलखंड से लेकर आते थे असलहे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, पूछना चाहूंगी क्या कुछ सफलता एसएसपी की स्वाट टीम को मिली है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एसएसपी की स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैं आपको बता दूं, अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों आरोपी जो है वो फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी घटना का एसएसपी आनंददेव 2:30 बजे खुलासा करेंगे। जी, क्या लगता है कि इस गिरफ्तारी के बाद कुछ अन्य खुलासे भी हो सकते हैं क्या? उन जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे बातचीत के बाद क्या किसी गैंग का भंडाफोड़ हो सकता है? जी बड़ा सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार शहर में जो है अवैध असले पकड़े जा चुके हैं, क्या फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन ये जो असले पकड़े गए हैं इसकी जो मात्रा है वो 2 दर्जन से अधिक है। बड़ा मामला बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कोई फैक्ट्री नहीं थी, ये दूसरे जिलों से बुंदेलखंड से जो है असलों को लाकर दूसरे जिलों में सप्लाई किया था। फिलहाल एसएसपी कुछ ही देर में जो है पूरे मामले का खुलासा करेंगे। शुक्रिया अमन आपका हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, एसएसपी की स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 दर्जन अवैध असलहों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों आरोपी फतेहपुर के रहने वाले हैं। बड़ी खबर कानपुर से, नौबस्ता थाना क्षेत्र के समाधि पुलिया से गिरफ्तार किया गया। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सिख धर्म में भी बहुत है और माना जाता है कि इस दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और इस दिवस को सिख धर्म में प्रकाशोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसे गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों में खास पाठ का आयोजन होता है और सुबह से शाम तक कीर्तन चलता है और गुरुद्वारों के साथ ही घरों में भी खूब रोशनी की जाती है। इसके अलावा लंगर छकने के लिए भी भीड़ उमड़ती है।
डीवी कॉलेज के चित्रकला विभाग में फाइबर मूर्तिकला कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जिसका उद्घाटन गजल गायक प्रदीप श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि कलाकार बड़ी ही निपुणता से मूर्ति में शक्ति डालता है और जिससे आप और हम खुद ही खींचे चले जाते हैं। कॉलेज की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी ने बताया कि चित्रकला विषय की ये एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें जीवन को अपार अपार संभावनाएं हैं और इसलिए ये कला आवश्यक रूप से चित्रकला विद्यार्थियों को आनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर कुमुदबाला, पूजा श्रीवास्तव, निधि जायसवाल, शुभांजलि आदि लोग मौजूद रहे। तारीख से 28 तारीख तक ये वर्कशॉप चलाई जा रही है, कार्यशाला, जिसमें 100 से एबव स्टूडेंट विभिन्न डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन मकसद इसका है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं इस कल्चर के, उनको आगे मार्केट में कैसे स्टैंड करना है और कैसे वो अपनी कला को आगे ले जा सकते हैं और एकेडमिक लेवल में कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर एक हफ्ते की कार्यशाला चलाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा के पर्व में छुट्टी न होने से आज कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन में हड़ताल रही। अधिवक्ताओं ने सारा कामकाज ठप कर दिया और फरियादियों को भी वापस कर दिया गया। बार एसोसिएशन महामंत्री भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के कैलेंडर में छोटी छुट्टियों का जिक्र नहीं होता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी छुट्टी नहीं मिली है, जबकि सभी धर्मों के अधिवक्ता अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। अगर हम लोगों को छुट्टियां नहीं मिली तो हम सभी अधिवक्ता उच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे। का कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में ये लोकल छुट्टियां नहीं होती हैं, तो हम कचहरी में सभी जात धर्म के लोग यहां पर प्रैक्टिस करते हैं और इस वजह से जो है ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और सरदारों का विशेष पर्व है और हिंदू लोग भी जो है पूर्णिमा में जो है गंगा जी नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस वजह से जो है छुट्टी ना होने के कारण हमें स्ट्राइक करनी पड़ी है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। कानपुर बुक एसोसिएशन और पब्लिशर्स के बीच पालिका स्टेडियम में मैच आयोजित हुआ है और 30 ओवर के इस मैच में विजेताओं को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। और आयोजक अंकुश शुक्ला ने बताया कि आगरा के फ्रेंड्स पब्लिशर्स के एमडी के हाथों पुरस्कार का वितरण किया जाएगा और आशा है कि मैच बहुत रोमांचक होगा। मैच है कानपुर के बुक सेलर्स और पब्लिशर्स के बीच में होने जा रहा है। ये 30 ओवर का मैच है और जो जीतेगा उसको एक विनिंग ट्रॉफी है और कुछ कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी रखे गए हैं। और इसमें हमारे बीच में लखनऊ से पब्लिशर्स एस विजन के विशाल मेहरोत्रा जी और आगरा के फ्रेंड्स पब्लिकेशन दो लोग एमडी एज ए चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ द ऑनर आ रहे हैं। आज इस पालिका स्टेडियम में कानपुर के जो बुक सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पब्लिशर्स के बीच में एक इवेंट है, क्रिकेट मैच है, जो कि एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत हम लोग करते आ रहे हैं। ये तीसरा मैच है हम लोगों का, ये 30 तरीके का आयोजन। इसमें लगभग कानपुर नगर के जितने बड़े लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, छोटे सभी लोग हैं और जितने भी अच्छे पब्लिशर्स कानपुर के अंदर अपना बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब यहाँ पर। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। बड़ी खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और 3 युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अकबरपुर से बड़वाई एक ही बाइक से जा रहे थे चारों दोस्त। अकबरपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना, बड़ी खबर कानपुर देहात से। बड़ी खबर कानपुर देहात से, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 3 युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर और घायल को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अकबरपुर से मड़वाई एक ही बाइक से जा रहे थे चारों दोस्त। अकबरपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना, बड़ी खबर कानपुर देहात से। बड़ी खबर कानपुर देहात से, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हुई और एक की हालत गंभीर है, वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यासीन अली कानपुर देहात से फोन लाइन पर हैं। यासीन, पूछना चाहूंगी क्या स्थिति है घायल की। यासीन, पूछना चाहूंगी कि जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। जी, आपको बता दें कि जो ट्रक जो है आगे जा रहा था, पीछे से बाइक सवार, बाइक में जो 4 लोग सवार थे वो बड़ी स्पीड में जा रहे थे, ओवरटेक करने के चक्कर में ये ट्रक से टकरा गए, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जो एक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका उपचार कानपुर में हो रहा है। जी, क्या मृतक के परिजनों को उनको सूचित किया गया है इस पूरे हादसे के बारे में। जी, ये घटना जिस जगह की है वहाँ से उनका गांव कुछ ही दूरी पर था, ये अकबरपुर ही कोतवाली के ही मलवाई के रहने वाले थे, जिसके बाद मतलब उनके पुलिस ने उनके परिवार वालों को सूचना दे दी है और सबों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शुक्रिया यासीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है, घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और अकबरपुर से मड़वाई एक ही बाइक से चारों दोस्त जा रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे में नगरपालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। यह अभियान मोहल्ला मीरखपुर खरियाही मंदिर के पास से चलाया गया और जहां पर मंदिर और कुएं के आसपास कई सालों से अतिक्रमण था, करीब आधा दर्जन से अधिक झोपड़ी और कच्चे मकान बने हुए थे। नगरपालिका परिषद ने कई बार इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटवाया और जिसके बाद नगरपालिका परिषद की टीम जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर पहुंची और जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को ढहा दिया। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर देहात से एक और आ रही है। आपको बता दें कि मंगलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर कानपुर देहात से, 1725 पेटी अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर देहात से बड़ी खबर, मंगलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1725 पेटी अवैध शराब के साथ 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। हरियाणा से 2 कंटेनर में ये लोग शराब ला रहे थे, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं गिरफ्तार आरोपी। कानपुर देहात से बड़ी खबर। यासीन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासीन, पूछना चाहूंगी क्या कुछ सफलता मिली है मंगलपुर पुलिस को। यासीन, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ सफलता मिली है पुलिस को। जी, आपको बता दें कि मंगलपुर कोतवाली जो पुलिस है वो चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान 2 कंटेनर संदिग्ध परिस्थितियों में आते दिखाई दिए, जिसके बाद उसको घेराबंदी करके रोका गया, तो जब देखा उसको, जब तलाशी हुई तो उसने भारी मात्रा में शराब थी जो हरियाणा से आ रही थी। पुलिस ने 3 युवकों को भी मतलब गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1725 पेटी शराब बरामद किया। शुक्रिया यासीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर कानपुर देहात से, मंगलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 1725 पेटी अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और हरियाणा से 2 कंटेनरों में शराब ला रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए जेएमबी न्यूज।
को भाज्यूमो का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कानपुर शहरवासियों की ओर से हार्दिक बधाई। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। शायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी का। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। के बाद आप सभी का स्वागत है। सफाई के मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर समारोह का आयोजन हुआ और जिसमें नाराजगी जताते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने नेताजी को चापलूसों और जुगलखोरों से घिरा बताकर उन्हें सजग रहने की सलाह दी है। इसके साथ साथ अपने भतीजे और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने कभी भी जमीनी तौर पर कोई काम ही नहीं किया वो आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। और इसके साथ ही शिवपाल यादव ने सपा को अपने उद्देश्यों से भटका हुआ बताया है। बीती 16 नवंबर को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के नौबस्ता गल्लेमंडी स्थित धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया था और अधिकारियों को किसानों से धान खरीद के निर्देश दिए थे। उन्होंने गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही थी, लेकिन सीएम के निरीक्षण के 6 दिन बाद ही क्रय केंद्र बंद हो गया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अचानक धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पहले तो धान क्रय केंद्र बंद मिला और साथ ही एक फोर्थ क्लास कर्मचारी धान खरीद के रजिस्टर की रखवाली करता मिला। लोग नौबस्ता गल्ला मंडी के उस धान क्रय केंद्र में आए जिस पर शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण करा था और अनेक उन्होंने अपनी बातें सरकार की योजनाएं बताई थी। यदि आप मौके पर दस्तावेज जांचेंगे तो आप पाएंगे कि 1 नवंबर से चालू हुए इस धान क्रय केंद्र में पहली खरीद 15 नवंबर को एक बिल कटा है 20 क्विंटल का, उसके बाद कुल अब तक 7 बिल और कटे हैं, केवल 8 किसानों से खरीद करी गई जैसा कि बिल बुक दिखा रही है। 15 दिन से बराबर हमारा
तिवारी जी आढ़त वाले बोले कि 1350 को भैया धान ले लेंगे, मगर इसको साफ़ कर लो तब लेंगे। आज ये दो दिन से हम साफ़ कर रहे थे, अब जब धान साफ़ करके लाए तो कह रहे अब 1350 का लेंगे और अब परेशान है। जो आप लोग को जो सरकार ने एमएसपी का घोषणा की वो कितने रुपए की है? 1750 रुपए की थी है, मगर वो ले कोई नहीं रहा है। माननीय विधायक हैं, वो चाहें तो वो जो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये आप रजिस्टर देख सकते हैं, ये जो है सभी का रजिस्टर है जिसपे सब लोगों के नाम लिखे हैं और जिनको सुविधा के अनुसार बुलाया जाएगा दिया जाएगी। लेकिन जो ये कहना माननीय विधायक जी का कि खरीद में जो फर्जी रसीद दी जा रही है, तो मेरा ये कहना है कि उस पर जो मोबाइल नंबर हैं किसानों से, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके चाहे जिस भी। यूपी के सहकारिता मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा कानपुर देहात पहुंचे और यहां कलेक्ट्रेट ग्राउंड में उन्होंने पीएनजी और सीएनजी गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया और कार्यक्रम के दौरान जनपद के अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला, रसूलाबाद विधायक निर्मला शंखवार, सिकंदरा विधायक अजीत पाल, एमएलसी अरुण पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल अग्निहोत्री के साथ ही कई पदाधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ये चीज़ ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपना सोच है वो एक बहुत बड़ा है, वो हर घर को हर आदमी को एक सस्ती ऊर्जा विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऊर्जा सस्ती भी है और साथ के साथ इसमें प्रदूषण भी कम होता है, इसका धुआं आपको दिखता नहीं है और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत कम होती है, तो क्लीन भी है, ग्रीन भी है और चीप भी है। एक अद्भुत जो नेचुरल गैस का शुरू किया है पूरे भारत में 61 स्थानों पर शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों में से आपके कानपुर देहात को भी ये सौभाग्यशाली माना गया है। सारी योजनाएं और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।